बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब धर्मदास जी ने हर शंका का निराकरण कराया। हे सदगुरु, किस तरह भक्ति करके ये जीव उस तत्व की प्राप्ति कर सकता है, कृपा करके ही कृपा निधान बोले। अब सुन ब्रह्म ज्ञान की बात बानी, ताकर रीत देह पहचानी। कह रहे अब मैं तुम्हें बताता हूं रहन गहन। एक है ब्रह्म सकल गठ फेंकी। इस बात को मैंने कई बार सत्संग में उठाया है। अगर आप वाणी से वाणियों पर अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, तो आपको सभी प्राणियों में, सभी जीवों में आत्मा नजर आएगी। सब घट व्यापक साइयां सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हुई। एक ब्रह्म सकल गट देखा, ऊंच नीच काहू ने पेखा, शत्रु मित्र एक कर जाने, पाप प्रण का भेद जाने। सुख और दुख तो ये मन की स्थितियां हैं, हमारी आत्मा सुख दुख से परे है। पहले हम देखते सुख क्या है, दुख क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है। पहला तो साहब ने दोनों तरह के कर्मों को बंधन कारक कहा। पाप पुण्य यह दोनों बीड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। सुख दुख की तो उत्पत्ति मन से है, इच्छाओं की पूर्ति सुख है। इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कई आदमी आपको परेशान नजर आते हैं, और इच्छाओं का उद्गम तो मन से है, इसलिए सुख दुख दोय जगत के भेवा। जब इच्छा की पूर्ति नहीं हुई दुख हो जाता है, हुई तो सुख, दोनों क्षणिक है। झूठ वचन नहीं जीव सतावे। इसमें साहब एक सुंदर शब्द बोल रहे हैं, इंद्री स्वाद सपन कर जाने, रूप कुरूप नाम मनवाने। आदमी चर्म दृष्टि वाला है, जो हमारी आंखें ये भौतिक आंखें जो है चर्म दृष्टि है। किसी भी व्यक्ति का हम मान अपमान किससे करते हैं, भौतिकता से करते हैं। अच्छे कपड़े हैं, देही मोटी है, रंग रूप ठीक है, ये तो भांडे है। जब वेद कह रहा है आत्मतम सर्वभूतेषु, तो बात खत्म है, वेद भी तो ये संदेश दे रहा है ना। इसलिए सब में जब एक परमात्मा के रूप को देखता है, तो वो फिर किसी के साथ में अनित अन्य और दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, उसमें ये भावना हो। जहलग दृष्ट पड़े जो कोई, इच्छा पुरुष जानिए सोई। दुनिया के लोग कुछ मुहावरे बड़े उल्टे सीधे बोलते हैं, और बच्चे फिर वो सीखते हैं। कुछ कहते हैं मेरा सपना है पायलट बनना, अरे सपना तो फिर झूठा है। आप यहां उचित शब्द का प्रयोग करो, मेरा संकल्प है बोलो। सोवत जागत लखे अकारा, तहन लग कर माया रूप निहारा।
जल थल सप्त दीप नौकंडा लोक आलोक सकल ब्रह्मंडा। ये जो भी आप कुछ देख रहे हैं सब कुछ मायावी है, बस ये चित्त की कल्पना का खेल है। आप हम स्वप्न देखते हैं, कैसी विडंबना है, उतनी देर वो सभी पदार्थ नित्य लगते हैं, आंख खुलने के बाद उनका अस्तित्व नहीं है। इच्छा द्वैत विनाश है, रहो एक करतार। चाह मिटी चिंता मिटी, और दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं पता है, बड़ा उल्टा बोलते हैं। आशा ही जीवन है, मैं कह रहा हूं आशा ही बंधन है। चाह मिटी चिंता मिटी, और इन्हीं चाहों को एक खत्म होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है। पहले आप एक चाह करते हैं एक सुंदर स्त्री मिल जाए, चलो मिल गई, लेकिन आप तृप्त नहीं होते। फिर आगे फिर क्या होता है, आप कहते हैं एक अच्छा बेटा आ जाए, चलो आजकल लड़कियां ज्यादा हो रही हैं, बेटा आ गया। क्षणिक जो भी दुनिया के अंदर सुख प्राप्त होता है वो सुख सुख मिश्रित दुखाभास है। अब फिर आप कह रहे हैं लड़के को अच्छा शिक्षा दे दें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उसमें जुड़ जाते हो। अब फिर सोचते हैं लड़के का जॉब मिले लड़के को, देखिए इच्छाएं कितनी अनंत है, बमुश्किल कहीं जॉब मिलता है। फिर आप सोचते इसकी शादी हो जाए और पोतरू आ जाए, तब तक अपना बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है ना। आखिर क्या मिला इस सब चीज से, एक बात बड़ी स्पष्ट है, इसमें दो राय नहीं है। आपके अनेकों जीवन हो चुके, न जाने कितने माई बाप हुए होंगे, न जाने कितनी पत्नियां हुई कई जीवनों में, कोई याद नहीं है। मोह की उत्पत्ति तो चित्त से होती है, चित्त ये बताता है ये तुम्हारी मेहरारू है, ये तुम्हारा घर है। आत्मा का इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज के युग में जिसके आगे ये बात बोले तो आदमी एक गठरी बांधे अपने सर पे, इंटरनेट में एक्सपर्ट होना है, फलाना होना है, ढिकाना होना है, जॉब देखना है, कंप्यूटराइज पूरा हो जाना, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सब भौतिक चीजें, ये आपको किसी भी कोण से पूरा संतुष्ट नहीं कर सकती है। इच्छा द्वैत विनाश हो गए। साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कह दिया, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह जाको नहीं चाह। काम काम सबको कहे काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा विसोय। आदि पुरुष चीने बिना मुक्ति कौन विद होए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छिड़ावे कौन। अंधा अगुआ तेहपुर माही, आप ये बात ठीक से जानते हैं, आप ऐसे क्षेत्र पर हैं जहां तीन प्रमुख स्थान है, विशेष धर्म स्थान। आप में से काफी आदमी वहां भी भ्रमण किए होंगे, लेकिन आदमी का आपको वहां कोई संतुष्ट नहीं मिला। चाह मिटी चिंता मिटी, सुख और दुख तो हमें इच्छाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है और कुछ नहीं है। इच्छा कौन सी कर रहा है इंसान, जगत के भौतिक पदार्थों को विडंबना क्या है। हम सभी ये जानते हैं कि एक दिन सब चीज छोड़ के जाना है,
साथ में कुछ नहीं जाता है। और जिनके हित के लिए पाप और छल कपट कर रहा है वो भी साथ नहीं जाता है। मोह कैसे बढ़ता है वो मैं आपको उदाहरण देता हूं। पहले तो आप भाई बंधुओं का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, फिर आप संतान के पीछे लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा, यहां जीवन पद्धति बड़ी विकट है। विदेशों में 18 साल का लड़का हो गया, कहते हैं उड़ जा चिड़िया की तरफ, और तू खुद देख अभी अपनी जिंदगी कैसे करना। यहां हमारा कर्तव्य पूरा है। हम यहां क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाना बुरी बात नहीं है, फिर उसका ब्याह शादी हम कराते हैं, उलझ गए उसमें। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं। वाह, उसके लिए घर भी बनाया, आगे क्या कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली बड़ी विकट है। फिर जो उसकी संतान होती है उसके मुंह में फंस जाते हैं दोत्रु पोत्रु। वाह, एक बार नारद जी ने विष्णु जी से एक प्रार्थना की, बोला महाराज आप दयालु हैं, स्वर्ग खाली पड़ा है, धरती पर लोग कितने दुखी हैं, किसी को घर नहीं है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई परेशान है, कोई गर्मी में तप रहा है, कोई जाड़े में सिकुड़ रहा है, हे दयालु स्वर्ग खाली पड़ा है, लोगों को परमिट करो। बोला नारद मैं क्या बताऊं, कोई आ ही नहीं रहा है। नारद जी ने कहा मुझे आज्ञा दो, मैं स्वर्ग भर दूंगा, बहुत लोग लाऊंगा धरती से। बोला लाओ। पृथ्वी पर आया, कुछ लोगों को परिचय दिया, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद हूं, स्वर्ग चलो। मना कोई नहीं किया, कहा महाराज चलेंगे। अभी बेटे का ब्याह नहीं हुआ है, ब्याह हो जाए बहू बहुरिया देखे फिर चलेंगे। इस तरह साहब भी एक शब्द में कह रहे हैं, मैं आया अहलोक में, मैं आया अहलोक में, इस लोक में आया। आप इस बात को ध्यान से सुनना, हर इंसान के लिए ये बात लागू होती है। फिरा गांव की ठोर, फिरा गांव की खोर, गली गली ऐसा जीड़ा ना मिला जाए, लीजिए फटक बछोर। साहब कह रहे कोई चलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इस तरह नारद जी बहुत घूमे, बहुत लोगों से संपर्क कहा, काफी लोगों ने आश्वासन दिया चलेंगे, पर अभी ये काम है। कोई कह रहा फसल काटना है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कह रहा मेहरारू बीमार है, यही तो बंधन है सब चीजें। जबकि ये शास्त्रों में स्पष्ट है कोई किसी का नहीं है, कर्मानुकूल ये सब चीजें हैं। आखिर में एक बूढ़े के साथ घर पहुंचा, घूमते घूमते वहां विवाद हो रहा था, शोरगुल हो रहा था, जब जाकर देखा तो उसको बहुएं बेटे ऊंच नीच बोल रहे थे, कुछ उसकी फजीहत कर रहे थे। नारद ने सोचा बाकी कोई चले न चले ये चलेगा, क्योंकि ये बंदा बड़ा परेशान है। नारद ने कहा बुढ़ऊ मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, स्वर्ग लाने के लिए मैं इस मृत्युलोक में आया हूं। उसने कहा कैसा निर्बसी आया तू, घर बिगाड़ू है
घर में वाद विवाद होता रहता है, तू तू मैं अपनों से होती रहती है, है? नारद सोचा ये भी तैयार नहीं है, घूमता रहा बेचारा, सोचा कुछ तो ले जाऊं दो चार ताकि जाके वहां अपना मुंह दिखाऊं। एक जगह पहुंचा, वहां एक जर्जर अवस्था में बुड्ढा था, कमर 45 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई थी, टांगे भी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, श्वास फूल रही थी। नारद जी ने सोचा ये काफी परेशान है देह से, चलो इसी से बात कर लेते हैं। उसको कहा बड़ो अब काफी जी चुके हो धरती पर, आपने सब कुछ देखा, चलो स्वर्ग लोक लेके चलता हूं। उसने कहा वाह भाई वाह नारद जी, मैं पक्का चलूंगा, बहुत दुख है यहां, लेकिन एक चीज है, सबसे छोटे लड़का का ब्याह हुआ, अभी हमारा पोत्रू आने वाला है, उसका मुख देख लो, कहा पोत्रू का मैं मुख देख लूं, नारद सोचा ठीक है, वापस चला गया। विष्णु जी ने कहा अरे नारद लाए नहीं किसी को, बोला सुनो काफी लोग आने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखो, काफी लोगों ने हमें कहा है कि हम चलेंगे, थोड़ा सा रुक कर चलेंगे, ठीक है। फिर आया देखा बुढ़ऊ, बुढ़ऊ को कहा अरे भाई पोत्रू भी हो गया चलो अब। बुढ़ऊ ने कहा महाराज आजकल के लोग जो है माता पिता समझते नहीं है, छोटा लड़का है रोवत है गावत है कोई उठाता नहीं है, इसको गोदी लिए मैं बैठा रहता हूं, कम से कम चुप कराता हूं, थोड़ा सा ये सयान हो जाए चले फिरे बदे हो जाए तब अपन चलेंगे। नारद ने कहा चलो भाई देखते हैं ठीक है। कुछ समय बाद आया तो बुढ़ऊ मर चुका था, अपनी योग शक्ति से नारद ने देखा ये कहां गया है, घर के पास की नाली में कीड़े के रूप में जन्म लिया था, ये संवाद कथाओं में आता है। नारद ने सोचा अब तो ये कीड़ा बन चुका है अब तो चलेगा ही, अपनी योग शक्ति से उसे पुनर्जन्म का ज्ञान दिया, बोला बुढ़ऊ अब तो गंदी नाली में हो कीड़े की तरह अब चलो। बोला देखो कभी कभी नाली से उठकर मैं अपने घर परिवार को देखता हूं, मोह सकल व्याधिन को मूला तासे उपजत बहुवित सूला, मैं दुनिया को ठीक से देख रहा हूं। साहब ने एक शब्द कहा कहनता तो बहुते मिले गहनता मिला न कोई, कहनता तो बहुते मिले गहनता मिला न कोई, वो कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। मैं यहां मेरा यहां का आना जाना करीब 53 साल का है गोंडा का, मैं 10 साल के बीच एक बार घर गया था वो भी गुरुजी ने बोला था। भाइयों मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो आपसे बातें कर रहा हूं बड़ी प्रैक्टिकल है, मोह सकल व्याधिन को मूला तासे उपजत बहुविध सूला, इसलिए आपके साथ में जो शक्तियां दी हुई हैं वो इस मनुष्य को बहुत अधम कराती हैं। हर बार हर सत्संग में मैं एक चीज जरूर उठाता हूं मन का विषय,
आपका बैरी इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, आपका बैरी मन है। इच्छाओं का उद्गम ही मन से होता है, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है सहज रूप से, तो इंसान छल कपट दगा धोखा करता है। मैं आपको सावधान और सतर्क कर रहा हूं, बुढ़ापे में मोह और बढ़ जाता है। आप ये सोच के मत बैठना कि बूढ़ा होकर हम भक्ति करेंगे, नहीं कर पाओगे, मुश्किल है। बुढ़ापे में आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाएगी, बेटों का भी, परिवार का गार्जियन होने के नाते बेटों का भी बड़ा ध्यान रखोगे और दोत्रु पोत्रुओं में उलझे रहोगे। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविसूला। आपने एक गठड़ी बांध रखी है कि मेरे बिना ये परिवार कैसे चलेगा। अरे चलेगा, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर, इस तरह अंदर में बैठे हुए वो शत्रु हैं जो इस माया जाल से किसी को निकलने नहीं देते। ये पूरी इंद्रियां भी एक दिक्कत है, कान मित्र और शत्रु बना देते हैं। आप पूरे शरीर की संरचना को समझिए। बहुबंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। शरीर की रवायत और वृत्तियों को समझो, ये बहुत दुखों का घर है। शरीर धारण करने वाला कभी कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोय, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रहे। आप जिससे भी बात करो तो वो एक ही बात कहेगा कि जो मैंने दुख देखे हैं ऐसे दुनिया में कोई नहीं देखा, सभी यही कहेंगे। एक गीत बड़ा अच्छा है, दुनिया में लाखों गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों के दुख को देखा तो मैं अपने दुख को भूल गया। हर एक के साथ एक पूरी कहानी है जीवन के संघर्ष की, इसमें सुखी कोई हो ही नहीं सकता है। जितने भी मुनि मनीष तपस्वी और ज्ञानी पुरुष हुए, सबने संसार को दुखों का घर कहा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए, यह संसार फूल से मर का चोंच लगे पछताना है। आप समझे, पर यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। अंतोगत्वा संसार से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता दुख के अलावा। इस बात को समझने में जितनी देर लगाओगे उतना ही नुकसान होगा। गोस्वामी जी यूं नहीं कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, एक माई आई, पुत्र की मृत्यु हो गई, बोला मैं पागल हो गई, अब मुझे नहीं जीना है। मैंने बोला एक दिन न तो आपके पुत्र का शरीर रहना था न आपका, ये चला चली का मेला है। इसी भ्रम में जितनी भी चीजें काया के अंदर है सब दुष्टतर और कष्टदायी है। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। पांचों इंद्रियां पांच सखी पियों पियों करते हैं भोजन चाहत न्यारी नारी। इन्हीं इंद्रियों की तृप्ति के लिए मनुष्य पाप और पुण्य कर रहा है, आत्मा का कुछ लेन देन नहीं है। इसी मन के कारण ही पूरा झमेला है। आप इस तथ्य को समझें, यही अध्यात्म कहलाता है। इस मन के चार रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हमारी आत्मा इनसे परे इंद्रिय अतीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है।
ये मन जो इच्छा करता है तब इसी की संज्ञा आत्मा है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, जो भी इच्छा उत्पन्न हुई आपकी नहीं है। इच्छा इंसान क्या करता है, बस जगत के भौतिक पदार्थों की ही तो करता है, उसमें पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है और अंत जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो बड़ा दुखदायी है, बुद्धि कुंद हो जाती है। मैंने कई बूढ़ों को देखा, बुद्धि इतनी कुंद हो जाती है कि पूछो नहीं। सत्तन अच्छी है लेकिन अब देखो बुद्धि एकदम कुंद हो गई है। ये क्या है, शरीर का एक प्रभाव है। अरे भाई, आदमी जब बूढ़ा होता है टांगे कांपने लगती हैं, देखो टांगे काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं करती हैं, धुंधला दिखता है, मुंह काम नहीं करता है, पूरे दांत गिर जाते हैं, भोजन का रस नहीं मिलता है, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, कान से सुनना बंद हो जाता है। और बुढ़ापा एक नकारात्मक ढीठ आयु है, इतना ढीठ हो जाता है इंसान बुढ़ापे में कि सबकी तौबा करा देता है। और ये चीजें मैंने यहां कहीं देखी, क्योंकि अगर आपकी सुरती एकाग्र नहीं है ना तो फिर ये चीजें आप पर घटित होगी। यहां भंडारी बाबा भी रहता था, 6 महीने खटिया पर मलमूत्र उठाना पड़ा। अब लोग कहेंगे महाराज यहां था ऐसी कृपा क्यों, क्या था, क्यों नहीं उसको उतारा। ज्यादा मैं किसके लिए क्या बोलूं, कहेंगे निंदा कर रहे हैं सबकी। गुरु बताए पूरब को चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। मैं कह रहा हूं, मैं एक बात बोलता हूं, मैं कभी बूढ़ा नहीं हूंगा। आप कहेंगे महाराज आपके कदम भी अभी ढीले उठते हैं, संभव है। मेरा शरीर 45 डिग्री के एंगल पर झुक भी जाएगा, ये शरीर का धर्म है, यूं हो जाएगा। आंखें अपना कार्य करना कम कर देगी और स्थूल देही शिथिल होती जाएगी। बुढ़ापे का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है, मस्तिष्क पर। बुढ़ापे का सबसे बड़ा असर मस्तिष्क पर पड़ता है। अगर आपकी सुरती चैतन्य है तो कई बुढ़ापे भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। और मस्तिष्क का संचालन करता है ध्यान। आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अगर आपका ध्यान हट जाए तो ये बुद्धि कुछ नहीं काम कर सकती है, ये आंखें भी वैसे ही हो जाएगी। इसलिए सूरत अगर चैतन्य है वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। अब संत सत्तन बिचारी ने तो इसके पास जो कुछ था दे दिया, सत्तन से मुझे शिकायत थोड़ी है। अब मेरा कर्तव्य अस्वस्थ है तो इसका आखिरी तक मैं इलाज करूं, ये धर्म है। मुझे गुरुदेव ने कहा शरणागत या कोई आश्रम में रहने वाला अगर किसी स्थिति में, असाध्य स्थिति में पहुंचे, उसको कभी घर नहीं भेजना, उसको कभी घर नहीं भेजना, उसका ध्यान रखना। लेकिन अभी कैसी स्थिति में है, जो कहो जल्दी नहीं मानने वाली है, तो आदमी उब जाता है ना, क्योंकि बुद्धि धीम हो जाती है। आप हमेशा सूरत संभाले रखना, बुढ़ापे का सबसे बड़ा असर बुद्धि पर पड़ता है। ये इतनी कुंद हो जाती है कि हाथों को आदेश ही नहीं देगी। आंख में अगर मक्खी मुंह में बैठ रही है ना तो मस्तिष्क इतना सुस्त पड़ जाता है, हाथ को आदेश नहीं देगा यूं कर,
नाक बह रही होगी ना, आप जानेंगे भी। एक अवस्था यह आ जाती है आखिरी में, बुद्धि परम कुंद हो जाती है। लेकिन अगर आप सूरत आपकी चेतन है, आत्मा तो बूढ़ी जवान होती नहीं है, ये मिथक है, ये तो झूठी चीज है। इसलिए जो स्वरूप में स्थित है वो इन अवस्थाओं से परे रहता है। भानु प्रताप, इस अगले 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है। क्या आपने मेरी चेतना को, आप मुझे 50 साल से जानते हैं, क्या आपने मेरी चेतना को कभी कुंद पाया? कभी नहीं कुंद पाया साहब जी। बस आप ये सूरत संभालना और संसार की जितनी चीजें इसमें लिपायमान लिपायमान न होना। आगे साहब क्या करें? अभिगत रूप छाड़ हम दीना, संत स्वरूप भेष गह लेना। इस पर भी मतभेद है काफी विचारकों का, यहां तक कि कबीर पंथ की लोगों का भी में मतभेद है। इसमें तो कुछ ऐसा कह रहे हैं यथार्थ में कबीर एक जुलाहा था, कोई कह रहा है कि कबीर राम के उपासक थे, गुजरात में राम कबीर पंथ है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। पर साहब यहां स्पष्ट कर रहे हैं एक बात, अभिगत रूप छाड़ हम दीना, संत स्वरूप भेष गए लेना। मन का खेला नहीं देखते हैं। आपका विरोधी आपके गुणों को कभी नहीं देखेगा, हमेशा आपका विरोध की बात करेगा। साहब ने आकर के परम तत्व की भक्ति का डंका जब पीटा तो खड़दर्शन हिल गया। कोई ने जुलाहा बनाकर बैठा, कोई बिन ब्याही स्त्री का पुत्र बनाकर बैठा, कुछ और किया। विडंबना क्या है? आज दुनिया के अंदर जितने मत मतांतर हैं सभी तो साहब की वाणी ले रहे हैं। ये क्रिया थी। शब्द स्वरूप बनाए सोई, पांच तत्व तीनों गुण नाए, देह धरित बसत युग पाए। पर किसको समझाए? मुझसे एक सज्जन ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हमारे पूर्व ऋषि मुनि इतना तप किया, इतनी उपलब्धि है, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप एक कबीर को पकड़े हुए हैं जो अभी कलयुग में आया, जुलाहा था, कुआरी ब्राह्मणी का पुत्र था, आदि आदि कहते हैं, आप उन्हीं को पकड़े। मैं बोला हाँ, वो सर्वोपर्य है। वो बोला कैसे? वो लिखा पढ़ा था नहीं, खुद वो बोल रहे हैं, मस कागज में छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। मैं बोला हाँ, तो उनमें क्या था? मैंने बोला जब आप उनका अध्ययन करेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा। एक बात और बोली मैंने, मैंने कहा वो पूर्ण पुरुष परम पुरुष थे, वो परम पुरुष थे। अपनी कई जगह वाणियों में उसका उल्लेख किया, अब यहां भी उल्लेख तो कर रहे हैं ना। और एक प्रमाण देकर चले गए। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, साहब ने 120 साल जो भी बोला उस पर मोहर माघसुदी एकादश को लगाकर चले गए, जब मगहर में शरीर छोड़ा लाखों लोगों के सामने। मैं पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं, इतिहासकारों को धन्यवाद देता हूं, कम से कम इतना तो लिख दिया, बाकी तो जो अनाप शनाप लिखना था वो तो लिख दिया, लेकिन कम से कम इतना तो लिख दिया कि जब कबीर साहब ने शरीर छोड़ा अस्थि मांस लोथड़ा हड्डियां नहीं मिली, फूल मिले।
मुसलमानों ने फूल उठा करके मजार बनाई, हिंदुओं ने समाधि, जो आज भी मगर में स्थित है, 50 फीट की दूरी पर दोनों हैं। मैंने उनसे कहा एक कोई ऐसी विभूति बताओ मात गर्भ में नहीं आयो। यहां भी साहब कह रहे अभिगत छाड़ हम रूप छाड़ हम दीना और हम इस शरीर में आए। 5 तत्व तीनों गुण नाही धरी देह तब बसत युग माए। ये एक जगह नहीं उल्लेख है। अब यहां साहब ने एक शब्द बोला यह कबीर भाव भटका खाए वह कबीर भाव पाड़ लगाए। याविद अजय देह धर लीना सबको आए सिखा पंदीना। जो जीव संधि शब्द के पाए जीव असंख्यन लोक पठाए। प्रथमे सत्य युग में हम आए सत्य नाम तब जीव धराए। तब हम जीव असंख्यन धारे यम को मार तब जीव उबारे। त्रेता में बौरम आए मुनिन्द्र बोध करे। कोटिन जीव को पंच लखाए ऐतिक जीव को मुक्ति दिया। तीजे पर द्वापर युग आई पुन करुणा में नाम धराई। कोटिन जीव तब हम तारे महाकाल ते जीव बार। फिर कलयुग आयो भाई नाम कबीर तवे धराई। काल जीत हंस मुक्ताए सत्य शब्द की संधि लखाए। जीव असंख्यन तारों आई सत्य पुरुष का दर्श कराई। ये सब और साहेब की एक धुरी पर साहेब की शिक्षा टिकी है। सास बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। धनराज जी यही प्रार्थना एक जगह साहब से कर रहे हैं कि कलयुग में जीव बड़ा अधम है बड़ा नीच है पाप कर्म छोड़ता नहीं है छल कपट करता है और हिंसक है। इतनी बड़ी साक्षी देने के बावजूद भी जल्दी जीव नहीं मानता। ये जीव बहुत उलझा हुआ है। अब साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुने। प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम बोला जिसको मैं नाम दिया उसको बदल दिया करूं जगत से न्यार। अब आप खुद सोचो इस महाकलिकाल के अंदर कितने पाप और छल कपट कर्म चल रहे हैं लेकिन आप दुनिया से नाराज हैं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। तो बंधु आप विचार करना आपको दुनिया से निराला अलग नहीं कर दिया। प्रत्यक्षम प्रमाणम के तम जो अपने आप को दुनिया के लोगों से अलग समझ रहे हैं कृपा करके हाथ खड़ा करना। ये सब क्या है ये सब झूठ नहीं बोलने वाले हैं। करूं जगत से न्यार हजारों जगह साहब ने एक शब्द कह दिया है। काग पलट हंसा कर देना कौए की आदतें छुड़ाकर हंस बना देता हूं। जब ये शक्ति आएगी तभी अंदर अंतःकरण शुद्ध होगा। पूरी आइडियोलॉजी इसी बात पर घूम रही है साहब की। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो कोटन भांत करे जो कोई। नाम के बिना हृदय किसी भी कीमत में शुद्ध नहीं हो सकता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कृपा करके उसको सुनना स्मरण रोज करना ध्यान में डेली बैठना। नहीं तो मन धीरे धीरे आपको आपका अंतःकरण कुंठित करता जाएगा। आप अच्छे भोजन और अच्छी खुराक ले रहे हैं शरीर को तंदुरुस्त रख रहे हैं ताकि रोग नहीं आए लेकिन जिस आप जासे नाता आदि का विसर गया थे ठोर आत्मा को नहीं भूलना है स्मरण करना। यह आपको चेतन करता रहेगा नाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।